हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रिटास तड़का में। और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सोया चंक्स को उबालना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें 3 बड़ा कप पानी डाला है, साथ ही में इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया चंक्स। तो ये 1 कप सोया चंक्स है, ये इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अभी इन्हें उबालेंगे हम 3 से 4 मिनट तक, या जब तक ये अच्छे से ना उबल जाए, साइज़ में डबल ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए और आप देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो गए हैं। तो इतना हमें इनको उबालना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। और अब हम इसे छान लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप ठंडा पानी। मतलब नॉर्मल पानी डालना है, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद अब इसे चम्मच की हेल्प से हम हल्के हाथों से दबाएंगे और इसका पानी निकालेंगे। ध्यान रखें, हाथों से बहुत कस के दबा के इसका पानी नहीं निकालना है, बस इस तरीके से हल्का हल्का दबाना है और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और बस जैसे ही इसका सारा पानी निकल जाएगा हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। और अब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये आप अपने स्वाद अनुसार रखें, मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो ध्यान रखें, नमक उबालते समय भी डाला था इसलिए यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम ही यूज़ करें। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच दही। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा 2 बड़े चम्मच और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप खाली मैदा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों 50-50 डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच मैदा और साथ ही में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कॉर्नफ्लोर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोज़ पे कि मैम कॉर्नफ्लोर कैसा होता है, क्या होता है। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लोर इस तरीके का होता है, ये आपको बहुत ही ईजीली मार्केट में मिल जाएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन सोया चंक्स को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, ऑयल अच्छा गरम हो जाना चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके ये सोया चंक्स डालेंगे। ध्यान रखें, एक साथ सारा हमें नहीं पलटना है, एक एक करके डालना है जिससे कि ये आपस में चिपके ना। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। और बस थोड़ी देर के बाद अब हम इन्हें धीरे धीरे पलटना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप तुरंत डालने के बाद इनको पलटेंगे तो ये चिपकते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद इन्हें पलटना शुरू करें। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये अच्छे से सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ गया है इनके ऊपर। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इनको जलाना नहीं है, इस तरीके का कलर आ जाना चाहिए ऊपर, इतना हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए एकदम क्रंची से हो गए हैं ये। तो बस इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सोया चंक्स को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम लेंगे पैन या कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और अब यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो आपको रखनी है मीडियम टू हाई। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे, जिसको इस तरीके से लंबा लंबा कट करना है। और अब इन तीनों को हम कुछ सेकंड के लिए ऑयल में भून लेंगे। मतलब जो लहसुन का कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए।
और अब इसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक मीडियम साइज़ की रेड वाली शिमला मिर्च ली है, जिनको इस तरीके से कट कर लिया है। और साथ ही में एक ले लेंगे प्याज, जिसके हमें पेटल्स अलग कर लेने हैं। तो जैसे ही लहसुन हल्का सा भुन जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसको भी कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे। तो प्याज को हमें कुछ सेकंड तक इसमें भूनना है। अब यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है ना, उसे हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे रेड वाली शिमला मिर्च और ग्रीन वाली। अभी हम इसमें टमाटर नहीं ऐड करेंगे, अभी सिर्फ ये शिमला मिर्च डालेंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो जो हमने शिमला मिर्च इसमें डाली है, उसे भी हम प्याज के साथ ना कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो ढक देते हैं इसे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हल्की सी पक चुकी हैं। मतलब हमें इन सब का कच्चापन निकालना है, बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर तक हम इन्हें ढक के पका रहे हैं, सिर्फ घड़ी देख के आपको 2 मिनट तक ढक के पकाना है इन सबको। और अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, तो ये हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस, तो 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सेजवान सॉस। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सबको तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। अभी यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे और साथ ही में हम ले लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी डाल देंगे। तो 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब पानी लेना है इस कॉर्नफ्लोर में। इसे हम डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स, और साथ ही में 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और फिर से एक बार मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। और बस कुछ सेकंड के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए, देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ना, और टेस्ट भी बहुत यम्मी है। तो बस अब लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से व्हाइट वाले तिल। अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इन्हें रहने दीजिए। तो ये लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली बन के रेडी है, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। तो जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई करें और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं। और आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।